एवरीवन, मैं हूं नाज एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूं जाफराबाद, और जाफराबाद में एक बहुत ही फेमस निहारी वाले हैं जो कि हैं अपने नूर नाम से, नूर निहारी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गाइस, काफ़ी लोगों से इनके बारे में सुना है, तो फाइनली आज हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और फिर निहारी के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बस आप वीडियो मेरे साथ बने रहिए। देख सकते हैं आप, ये जो एक शानदार सी चीज दिख रही है ये है नली। तो हर जगह का अलग अलग ट्रेंड होता है, ये देखें गाइस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रिवाज, ये चिकनाई नहीं है, ये प्योर नली है। तो गाइस, माशाल्लाह से काफी बड़ी देग है निहारी की, तो आप इस देग को देख कर आइडिया लगा सकते हैं कि लोग कितनी ज्यादा पसंद करते हैं निहारी। ये देखें गाइस, ये गया इधर जी, ये है पीस। ये इतना ज़्यादा टेंडर हुआ होता है गोश्त इनका, कि जैसे आप इससे टच करेंगे ये खुद ही टूट जाएगा। और इसके जस्ट बराबर में है इनका ये रोटियों का सेटअप। और एक चीज़ मैंने अभी देखी है कि इनकी जो रोटी है, ये दो तरह की रोटी है। अगर कोई मोटी रोटी खानी पसंद करता है तो वो भी उसके लिए भी अवेलेबल है, अगर कोई पतली रोटी खानी पसंद करता है तो उसके लिए भी अवेलेबल है। तो भैया, ये कितने की रोटी? 4 रुपये की। तो गाइस, सबसे बड़ी बात जो है वो तो यही है कि आज के टाइम में रोटी 4 रुपए की। और आप जरा रोटी का साइज देखिए, ये देखें गाइस, 4 रुपए में क्या ही आता है जो यहाँ पर इतनी बड़ी रोटी आती है। और ये वाली रोटी कितने की भैया? और ये 5 रुपए की रोटी है। तो गाइस, ये देखें, अगर आपने अभी तक इस टाइम में अगर आप भी 4 रुपए की रोटी खाते हैं या 5 रुपए की रोटी खाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि 4 या 5 रुपए की रोटी मिलती होगी। तो मिलते हैं यहाँ के, बहुत ही बड़े शौकीन हैं ये निहारी के। ये हम लोग जब से आए तब से तारीफ करे जा रहे हैं निहारी की यहाँ की। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अफजल। अफजल, तो भैया कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से निहारी खाने के लिए आए या कहीं घूमने के लिए आए हैं? सॉरी, निहारी खाने के लिए आया था। निहारी खाने के लिए, तो क्या खा रहे हो आप? नली। अच्छा, नली निहारी खा रहे हैं। तो माशाल्लाह, इतना बड़ा, इतना ज्यादा शौक रखते हैं आप निहारी का कि गाजियाबाद से आए हैं। शुक्रिया भैया, कहाँ हैं आप? आपकी निहारी ठंडी हो रही है। तो गाइस, ये मेरे सामने बैठे हुए दूसरे भाई जो कि खाना खा रहे हैं। तो भाई, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल करीम। मोहम्मद अब्दुल करीम, तो भाई कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। अच्छा, आप दोनों साथ में हैं? तो आपको किसी ने बताया निहारी के लिए या खुद से आए हैं? हमारे दोस्त ने बताया है निहारी खाने के लिए, मतलब यहाँ आते हैं बराबर। तो कितनी बार आ चुके हो यहाँ पर? बहुत बार आ चुके हैं। चलिए भाई, आप खाना खा लीजिए जी। बहुत फेमस है जी, फेमस है। 6-7 साल से निहारी खाता हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह, निहारी का बिल्कुल बेहतरीन है ये। निहारी देखो, निहारी का एक जुमला खाता हूँ, ऐसा निहारी लाजवाब है। निहारी तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि निहारी के अलावा और ये क्या क्या सर्व करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, ऐसा शानदार शाही कोरमा आपने शायद पहले ही कहीं देखा होगा। सबसे पहले इसका दाना देखिए जरा, कितने अच्छे से इसमें कोरमे में मसाले में दाना पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हर कोई नहीं बना सकता ऐसा कोरमा। जो सच में शेफ है, जो सच में खानसामा है, वही बना सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बफका कोरमा है। नेक्स्ट, ये है चने की दाल गोश्त। गाइस, आप इसकी शक्ल देखिए जरा, माशाल्लाह ऐसा शानदार खाना। ये देखिए कि माशाल्लाह चाप है। एक बार चाप का साइज दिखाइए। ये देखें गाइस, चाप का साइज देखिए, कम से कम 200 ग्राम की एक चाप है। ये देखें गाइस, और चाप भी उसी तरह से बनी है जिस तरह से कोरमा दानेदार है, उसी तरह से चाप दानेदार है। ये है असली शाही खाना, आप इसे शाही खाना बोल सकते हैं। ये देखिए गाइस, अगली डिश की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये सलजम गोश्त। ओहो हो हो, माशाल्लाह, ये है सलजम गोश्त, और ये है असली सलजम गोश्त। ये देखिए गाइस, क्या बात है, मेरे खुद के मुंह में पानी आ गया ये देखकर। ये देखिए गाइस, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कभी इतने शानदार सलजम गोश्त देखे हैं। ये है सर्दियों की सौगात, ये है काजू की में, माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, और एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपको हर चीज बफ़की मिलेगी। ये देखिए गाइस, काजू की काउंटरी देखिए इसमें। ये देखें, ये असली काजू की में है।
ये है भेजा, ये भी बीफ का है। तो गाइस ये है भेजा, ये देखें गाइस, हर एक चीज अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता कि पूरे जाफराबाद में ऐसा खाना कहीं और मिलता होगा। माशाल्लाह जी जी, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है कि ये होटल बहुत फेमस है, और फेमस ऐसे नहीं है, ये अपने खानों की वजह से फेमस है जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एल्युमिनियम का यूज बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारे बर्तन जिसमें ये बनाए गए हैं वो भी, और जिसमें ये सर्व किए जा रहे हैं वो भी, सब तांबे के हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये टॉकिंग देखकर ही समझ सकते हैं कि लोगों को इनका खाना किस हद तक पसंद है। तो खैर अभी थोड़ा रश कम है और भैया से 2 मिनट निकाल कर बात कर सकते हैं। भैया सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आप इतना शानदार खाना लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, ये कौन सा जादू है? सॉरी मैं जादू तो नहीं बोलूंगी, एक गॉड गिफ्ट बोलूंगी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ, मैंने चीज नोट किया कि आप नमाज के काफी पाबंद इंसान है, शायद इसीलिए आपके खाने में इतनी लज्जत है। ये सब अल्लाह की तारीफ है, ये लोगों की प्यार है, जो बड़े दूर दूर से कस्टमर हमारे पास आते हैं, और ये जो भी है सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की निजाम है ये सारा। एक चीज और, मैंने खैर मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ आपका खाना, लेकिन मैंने इस तरह का खाना, इस तरह का कौरमा शायद शादियों में भी नहीं देखा है, क्योंकि इस कौरमे में जो ये दाना होता है इसको हर कोई नहीं बना सकता। तो ये आप हमारा अल्लाह की रहमत से, जो एक बार खा के जाते हैं वो दोबारा उनको आने ही आना है यहाँ पर, क्योंकि दिमाग में ये घुसता है कि हम मैं जाके दो होटल में खाना खाऊंगा, और जो है खाना हमें वहीं की खाना है, मतलब एक बार खाने के बाद इंशाल्लाह खाना बहुत बढ़िया और लज्जत खाना होता है हमारे पास। तो सर अपना टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग हमारा शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक है माशाल्लाह, और दोपहर में 12 बजे से लेके 4 बजे तक है। चलिए सर, सबसे बड़ा बात, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो खैर क्या बोलूँ, आपका जो खाना है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस अभी निकल रही है अपने लिए निहारी, तो सबसे पहले तो ये गोश्त देखिए निहारी का, माशाल्लाह ये देखिए बोटी देखिए आप, ये देखें, ये आ गई अपनी नली जी, माशाल्लाह। तो आगे अपनी निहारी ये देखें और डालते हैं इसके, मुझे आज तक चीज समझ नहीं आई कि नींबू निहारी के प्लेट के अंदर ही क्यों डाल देते हैं। चलिए खैर मुझे समझ नहीं आई, तो कुछ तो सीक्रेट होगा। डाल दिया इसके अंदर नींबू, लेते हैं रोटी का सबसे बेस्ट वाला पार्ट, बनाते अपने बाइट। और ये गई थोड़ी ग्रेवी और थोड़ी सी नली के साथ में, ये देखिए गाइस बहुत अच्छी निहारी गाइस, शानदार। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे अच्छे जायके मेरे घर के इतने पास भी मिलते हैं, बहुत अच्छी। जी मसालेदार अलग टेस्ट। एक चीज़ मैं फिर से आपसे बताती हूँ कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेकर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता उनका जायका इनके जैसा है जो छोटी छोटी गलियों में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि इनकी जो बाकी खाने हैं उनमें भी काफ़ी शानदार है देखने में भी। तो अपना जो कॉन्टेंट है वो निहारी का है, तो मैंने इनकी निहारी टेस्ट की है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत शानदार निहारी है। उससे पहले ये देखिए, ये है इनका शलजम गोश्त और ये है कोरमा। तो गाइस कोरमे को देख के और शलजम गोश्त को देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा, तो मैंने सोचा ये दो चीज़ें भी ऑर्डर करी दूँ, और अभी फिलहाल इनको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले टेस्ट करूँगी इनका मैं ये शलजम गोश्त,
क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे खाए नहीं है। हकीकत बात यह है कि मैंने ऐसे सजन गोश्त सबसे पहले कभी नहीं खाए। बहुत ही शानदार फ्राई काजू कीमा। सेकंड बाइट लेते हैं अपना कोरमा। गाइस आपने टेस्ट नहीं किया, सिर्फ फील कर सकते हैं इसका जायका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शायद ही कहीं ऐसा जायका आपको मिलेगा जैसे सजन गोश्त है और ये कोरमा है। अभी एक बाइट लेते हैं अपना ये काजू कीमा। काजू है इसके अंदर, ये काजू कीमा। ये है शानदार चीज। देखिए गाइस खाने के लिए तो मैं निहारी आई थी, मुझे नहीं लगता कि मैं निहारी खा पाऊंगी। मैं सिर्फ ये खाऊंगी, चीज़ मैं आपको बता दूँगी, मैं सिर्फ ये चीज़ खाऊंगी। बहुत शानदार। इन तीनों में से ये बताना मुश्किल है कि सबसे अच्छा क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे अच्छा है सजन गोश्त लगा है। बाकी तो हर चीज़ शानदार है। तो गाइस ये देखिए जिस तरह धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से यहाँ पर रश बढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ से खाना खा के चले गए और कुछ लोग अभी जब ऑफ टाइम होता है इनको ऑफिस का उसके बाद आते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो रश लगना शुरू होता है वो 8 बजे के बाद होता है, थोड़ा पहले आ गए हैं। यहाँ के जैसा खाना शायद ही आपको कहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं बार बार बोल चुकी हूँ। तो गाइस आपको एक ही चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ के जैसा खाना शायद ही कहीं मिल सकता है। यहाँ का एड्रेस क्या है, आपको कैसे आना है, इसका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और एक चीज़ मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप दिल्ली के बहुत बड़े बड़े होटलों में जाते होंगे, जाते हैं और जाते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ का आप कोरमा खाएँ, काजू कीमा खाएँ, जो मर्जी डिश खाएँ, क्योंकि वो बहुत ऊँचा ऊँचा नाम लेकर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार आप मेरे कहने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एड्रेस लें और सीधा यहाँ पर आए ना नूर होटल पर, और एक बार यहाँ पर आके टेस्ट करें तो जो चीज़ मैं अल्फाजों से बयान नहीं कर पाई हूँ वो यहाँ पर आके सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली मेम्बर को सब्सक्राइब शेयर करें। और हाँ पर्सनली अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे अच्छे खाने खाते रहिए।